भाकपा माले के द्वारा शनिवार को हुट्टी बाजार स्थित भगत सिंह चौक पर शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान भगत सिंह के साथ साथ शहीद सुखदेव और राजगुरु को भी नमन किया गया। इस कार्यक्रम की अगुवाई भाकपा माले नेता ताज हसन, आलम रजा, इकराम अंसारी, विकास कुमार, मजहर और राजू कुमार ने किया। मौके पर इन्होंने कहा कि शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को आज के दिन ही 1931 को फांसी पड़ी थी। चाहते तो अपनी फांसी को ये लोग टाल सकते थे, किंतु सोई हुई जनता को और युवा को जगाने के लिए इन्होंने फांसी का रास्ता चुना, जिससे भारत में देश के प्रति प्यार और अंग्रेजों के प्रति आक्रोश पैदा हुआ, देश अंग्रेजों से आजाद की ओर बढ़ा। इधर भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा ने कहा कि जिस देश की आधे से ज्यादा आबादी युवाओं का है, उस देश में क्रांति आ जाना चाहिए, किंतु युवा भटकते जा रहे हैं। अगले 3 महीने तक अभियान चलाकर युवाओं को क्रांति के रास्ते पर लाने का काम किया जाएगा। भगत सिंह के शहादत दिवस पर आज भाकपा माले गिरिडीह की टीम यहां पे आई और उनके इस मूर्ति पे हम लोगों ने माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। और जरूरत है कि इस वक्त देश के युवाओं को शहीद आजम भगत सिंह के जो विचार थे उनको अपनाकर इस देश को बुलंदियों पे ले जाना चाहिए, ना कि इस देश के गलत विचारों को साथ देकर देश को विनाश को ले जाना चाहिए।